दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो फ्रिज में ठंडा करने का मशीन होता है, फ्रिज को, वो हमेशा फ्रिज के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर में लगा रहता है। तो वह ऐसा क्यों होता है कि वह सिर्फ ऊपर में ही लगा रहता है? चाहे कोई भी फ्रिज का हो, कंपनी का हो फ्रिज, या कैसा भी फ्रिज हो, वह ठंडा करने का जो मशीन है वह हमेशा ऊपर लगा रहता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो चलिए, जो होता है ऐसा है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, इसलिए वह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वह भारी होती है, इसलिए वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो आपने इस बात को साइंस में पढ़ा होगा। तो इसी कारण से फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करने का मशीन होता है वह हमेशा फ्रिज के ऊपर में लगा रहता है, बल्कि नीचे में नहीं, ताकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होने के कारण ऊपर से फ्रिज के नीचे की भाग में भी आ जाती है। और अगर मान लीजिए कि जो ठंडा करने का भाग है वो फ्रिज के नीचे होता, तो जो ठंडी हवा भारी थी वो हमेशा भारी ही रह जाती, और जो गर्म हवा था वो हल्का होता तो वो ऊपर का ऊपर रह जाता। इससे फ्रिज का जो ऊपर का भाग रहता वो कभी ठंडा नहीं रहता। इसी कारण से जो फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने का भाग रहता है, वो हमेशा ऊपर रहता है, चाहे भी कोई भी कंपनी का फ्रिज हो। तो कैसा लगा आपको जानकर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं यहाँ इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो सोचते रहिए, ऐसा क्यों होता है।